बच्चों, हम लोग क्लास 9th के ये प्रथम चैप्टर टॉम सायर को पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आंट पॉली नाराज थी और दंड के लिए वह टॉम को चार दीवारी पेंट करने के लिए देती है। टॉम अपने और अपने दोस्तों के साथ चार दीवारी को पेंट करवाता है और वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। आगे की कहानी देखिए। टॉम वाज नॉट फीलिंग वेल। टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। ही कुड नॉट स्लीप एज वेल एज ही यूज टू। वह उतना नहीं सो सका जितना सोता था। ही कुड नॉट ईट एज मच एज ही यूज टू। वो उतना नहीं खा सका खाता था जितना पहले से खाता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम स्कूल। वो स्कूल से भागना नहीं चाहता था। समटाइम ही डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले। कभी कभी वह खेलना भी नहीं चाहता था। ही वॉज ट्रबल एंड सैड। वह कुछ दिक्कत महसूस कर रहा है और उदास है। द बॉय इज़ इल, आंट पॉली थॉट। उसकी मौसी उसे देख करके समझती है कि लगता है बच्चा बीमार है। आई मस्ट गिव हिम सम मेडिसिन्स। मुझे अवश्य उसे दवा देना चाहिए। आंट पॉली वॉज फॉन्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन्स। आंट पॉली जो उसकी है, मौसी जो है, उसको शौक है विभिन्न प्रकार की दवाइयों के बारे में जानने का, खासकर घरेलू नुस्खों के बारे में। सी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। इससे संबंधित वो बहुत सारी किताबें हैं उसके पास। हर न्यूएस्ट आइडिया वॉज दिस। उसकी नई नई आइडिया यह है कि वेन ए बॉय वॉज इल, जब बच्चा बीमार हो जाए, ही मस्ट बाथ इन कोल्ड वाटर एवरी डे। बच्चा जब बीमार हो जाए तो उसे ठंडे पानी से रोज़ नहवाना चाहिए, नहा देना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। एंड सो एवरी मॉर्निंग, इसलिए वह हर सुबह, सी मेड टॉम स्टैंड आउटसाइड इन द यार्ड, यार्ड में आंगन, वह आंगन में हर सुबह खड़ा करती है टॉम को। एंड देन सी थ्रू आइस कोल्ड वाटर ओवर हिम, और उसके ऊपर ठंडा पानी गिराती है, मतलब ठंडा पानी से नहलाती है उसे। आफ्टर दैट, उसके बाद सी रैप्ड, रैप्ड मीन्स होता है लपेटना, रैप्ड हिम इन ए वेट सीट एंड मेड हिम लाइज इन बेड। आफ्टर दैट, और स्नान कराने के बाद ठंडा पानी से उसे क्या करती है, सी रैप्ड हिम इन वेट सीट, उसे ठंडे जो चादर है उसमें लपेटती है। एंड मेड हिम लाई इन बेड, और उसे बिस्तर पर ले सुला देती है। टॉम डिड नॉट गेट बेटर। टॉम अच्छा महसूस नहीं कर रहा, अच्छा नहीं हुआ। ही गॉट वर्स, वह और तबीयत उसका ख़राब हो गया। आन पोली ट्राई ए न्यू आइडिया। अब जब उसका और तबीयत ख़राब हो गया तो आन पोली एक नया आइडिया आजमाती है। सी थ्रू हॉट वाटर ओवर हीज इंस्टीड ऑफ कोल्ड। अब क्या कर रही है, सी थ्रू होल्ड हॉट वाटर, गर्म पानी से उसे स्नान करती है इंस्टीड ऑफ कोल्ड, ठंडा पानी के जगह। दैट डिड नॉट हेल्प टू टॉम आइदर, और इससे भी टॉम को कोई फ़ायदा नहीं होता है। एट दिस टाइम, इसके बाद आंट पॉली हर्ड अबाउट ए न्यू मेडिसिन। इस समय आंट पॉली एक और नई दवा के बारे में जानती है, सुनी है। इट वॉज कॉल्ड पेन किलर, जिसे पेन किलर कहते हैं। इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर, यह बहुत, इसका स्वाद बहुत कड़वा है, बहुत तीखा है। ऑल द सेम, इसके बावजूद, फिर भी आंट पॉली मेड टॉम ड्रिंक इट, फिर भी आंट पॉली इसे टॉम को पिलाती है। थ्री स्पून आफ्टर ईच मील, 3 चम्मच हर खाने खाने के बाद। टॉम हेटेड इट, टॉम इसे पसंद नहीं करता, बहुत नफरत करता, नहीं पीना चाहता है। व्हेन हीज आंट वॉज नॉट लुकिंग, जब उसकी मौसी नहीं देख रही होती है, ही क्विकली पोर्ड द मेडिसिन्स
इनटू ए हॉल इन द फ्लोर, और ग्राउंड में जिम कहीं पे छेद मतलब होल है, और उसमें वो क्या करता है, आंट पॉली जब नहीं देखती है तो क्या करता है टॉम, उस दवा को उसमें गिरा देता है, पॉड में गिरा देना, उडेल देना। टॉम वाज बिजी डूइंग दिस वन डे, एक दिन ऐसा ही वो कर रहा था, व्हेन द कैट केम इन, एक बिल्ली अंदर आती है। टॉम पोर्ड सम ऑफ द मेडिसिन इन टू इट्स माउथ, बिल्ली के मुंह में वो थोड़ा सा दवा डाल देता है। एट वंस अचानक इट जंप हाई इन टू द एयर, बिल्ली उछलने लगती है हवा में। सी स्टार्टेड डांसिंग ऑन इट्स बैक लेग, बिल्ली दोनों पिछले पैर पे खड़े होकर नाचने लगती है। इट्स रश्ड अबाउट द रूम, और वह तेज़ी से रूम में दौड़ती है, ब्रेकिंग एवरी थिंग इन इट्स पाथ, जो भी उसके रास्ते में आता है उसे वह तोड़ती है। इट रन अबाउट एज इफ इट वर मैड, वह इस तरह से दौड़ रही थी जैसे वो पागल हो गई हो। टॉम लाफ्ड एंड लाफ्ड, टॉम हंसने लगता है, हंसता रहता है। इट वॉज लॉन्ग टाइम सिंस ही हैड लाफ्ड सो हार्टली, बहुत दिनों के बाद टॉम इस तरह से दिल खोल के हंस रहा है, दिल से हंस रहा है। आंट पॉली हर्ड द नॉइज, आंट पॉली इस शोर को सुनती है, एंड कम रशिंग इन, और दौड़ करके आती है। वाट द मैटर, इसके साथ क्या हो गया, दैट कुड नॉट स्पीक इन फॉर लाफिंग, टॉम कुछ कह नहीं पाता हंसने के सिवा। एट लास्ट ही पॉइंटेड एंड सैड, अंत में वह इशारा करते हुए और कहता है, लुक लुक एट द कैट, बिल्ली को देखो मौसी, वाट इज द मैटर विथ इट, इसके साथ क्या हो गया, यू हैव बीन गिविंग इट दैट मेडिसिन, क्या इसे तुमने वह मेडिसिन दवा तुम इस बिल्ली को पिला दी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, सैड टॉम, टॉम कहता मैं नहीं जानता, स्टिल लाफिंग, और फिर भी अभी भी हंस रहा है। स्टिल आंट पॉली सा द बोतल, उस बोतल को देखती है, पेन किलर वाले बोतल को देखती है, एंड स्पून चम्मच वहाँ पे है, सासर तस्तरी है, प्लेट है। सी गेस्ट द ट्रूथ, और इस ट्रूथ को वह समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है। टॉम एक्सप्लेन्ड दैट, टॉम कहता है कि टॉम एक्सपेक्टेड दैट हिम आंटी टू बी एंग्री, टॉम सोचता है कि उसकी जो मौसी है वह नाराज होगी। टू दिस हिज सरप्राइज, लेकिन आश्चर्य होता है कि सी वाज ओनली थॉटफुल, वह कुछ सोचने लगती है। इट्स नॉट मेडिसिन फॉर कैट, यह दवा बिल्लियों के लिए नहीं है। सी सैड, वह कहती है, परहैप्स इट नॉट ए गुड मेडिसिन फॉर बॉयज, यह लड़कों के लिए भी अच्छा मेडिसिन नहीं है। नो नीड्स टेक एनी मोर इट, टॉम तुम्हें इसे और लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम, टॉम के लिए बहुत अच्छा समाचार था। ही बिगेन टू फील बेटर, और अब वह अच्छा महसूस करने लगता है। इस तरह से यह चैप्टर भी समाप्त हो गया, ये चैप्टर का आखिरी वीडियो था। आप लोग इसे दोहराइए, खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिए और समझिए, और इसमें जो वर्ड मीनिंग दिया गया है इस चैप्टर के साथ साथ जितने भी भेजा गया उसको याद कीजिए।